तो मैं अब आप लोगों को चित्रांक के बारे में दिखाता हूँ, मतलब जिसमें चित्र वाली जो पुस्तकें होती हैं गीता प्रेस प्रकाशित करती हैं, ताकि लोगों की भक्ति बढ़े और आसान तरीके से प्रभु के चरणों में भक्ति हो इनकी। देखिए, तो वो भी मेरे पास बहुत बड़ा कलेक्शन है, लेकिन यहाँ पे इतना रखना पॉसिबल नहीं है, तो सेगमेंट वाइज मैं आपको दिखाऊंगा। इसको दिखाने से पहले मैं आपको ये पुस्तक दिखाना चाहता हूँ, ये वाली, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी पुस्तक है। देखिए, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है गीता प्रेस प्रकाशन सूची, तो गीता प्रेस द्वारा जितनी भी प्रकाशित पुस्तकें हैं वे सभी इसमें मौजूद हैं, उनकी सूची मौजूद है। देखिए, सूची मौजूद है पूरी, ठीक, बाकायदा, और उसके बाद उनका मूल्य भी मौजूद है। तो गीता प्रेस ने आज तक जितनी भी पुस्तकें प्रकाशित की हैं वो सब इसमें बताई गई हैं। तो ये एक तरह की इंडेक्स समझिए, गीता प्रेस की किताबों का एक तरह से ये इंडेक्स ही समझिए। तो ये तो गोरखपुर में ही आपको मिल पाएगी, क्योंकि मुश्किल है कि और कहीं मिल पाए। हो सकता है, जैसे यहाँ पे एक सूची बनी हुई है, देखिए, गीता प्रेस की गोरखपुर की निजी दुकानों की शाखाएं कहाँ कहाँ हैं, इंदौर, ऋषिकेश, कटक, कानपुर, कोयम्बटूर, कोलकाता, गोरखपुर, चेन्नई, जलगांव, दिल्ली, नागपुर, पटना, बेंगलोर, भीलवाड़ा, मुंबई, रांची, रायपुर, वाराणसी, सूरत, हरिद्वार, हैदराबाद, काठमांडू में भी है। देखिए, काठमांडू में भी है, नेपाल में। तो ये है, देखिए, ये लोग विदेशों में भी भेजते हैं। देखिए क्या लिखा है, डाक द्वारा विदेशों में पुस्तक भेजने की व्यवस्था भी है इनके पास। तो देखिए, इसके इसका जो फ्रंट वर्क का कवर है, देखिए, वो थोड़ा स्पेशल भी है। देखिए, सेम ऐसा ही गेट है गीता प्रेस का गोरखपुर में। देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए, गीता मुद्रालय, गीता प्रेस, ठीक। और ये हर किताबों के ऊपर देखिए दो मंत्र जरूर लिखते हैं, या तो वो लिखेंगे ओम श्री परमात्मने नमः, और या तो फिर लिखेंगे, देखिए, जैसे या तो फिर लिखेंगे श्री हरि। तो ये तो हर किताब के ऊपर रहता ही रहता है, चाहे फिर कोई पुराण हो या कुछ हो, इन दोनों में से एक मंत्र तो रहेगा ही रहेगा। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा अपने चित्रों वाली पुस्तिकाओं का कलेक्शन दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये दिख रहा है, जैसे ये है दशावतार, दशावतार है, इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों के बारे में बताया गया है। ये देखिए, ये जो चित्र इन्होंने अपने इसके सबसे ऊपर रखा है, इसका भी बड़ा बड़ा महत्व है, क्योंकि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी तो भगवान विष्णु इसी रूप में प्रकट हुए थे। ये देखिए, ये बरगद का पत्ता है, उस पे भगवान शिशु रूप में है, इसी रूप में और ये जो देख रहे हैं ये माया का सागर है, और इसी रूप में भगवान ने मार्कंडेय जी को भी दर्शन दिए थे। उसकी एक कथा है, वो मैं आपको कभी सुनाऊंगा। तो देखिए, दशावतार में कौन कौन है। अभी ये मेरा पहला वीडियो, इसलिए थोड़ी आप लोगों को लग रहा होगा मैं थोड़ा नर्वस हूँ, और हूँ भी, लेकिन जैसी प्रभु की मर्ज़ी। ये देखिए, जैसे पहला अवतार मत्स्य अवतार है, दूसरा कुर्म अवतार है, तीसरा वराह अवतार है, चौथा, देखिए, ये नरसिंह अवतार है भगवान का, ये वामन अवतार है भगवान का, ये तो विष्णु जी लक्ष्मी नारायण जी का चित्र है, परशुराम अवतार, देखिए श्री राम जी, भगवान श्री कृष्ण चंद्र, बुद्ध भगवान। देखिए, कई लोग, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, लेकिन कई जगह बुद्ध भगवान को दशावतार में नहीं माना जाता है, और कई जगह माना जाता है। अब ऐसा क्यों होता है ये मुझे नहीं पता है। जैसे कई जगह
बलराम जी को भी दशावतार माना जाता है। ये शायद कुछ धार्मिक मान्यताएं होंगी, उतना मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको अवश्य पता करके बताऊंगा। लेकिन गीता प्रेस ने दशावतार में भगवान बुद्ध को रखा हुआ है, देखिए। और ये हैं कल के अवतार जिनका सभी को इंतज़ार है, देखिए, देख रहे हैं। तो ये दशावतार की पुस्तक है। ये वाली पुस्तक जो है ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि जब मैं छोटा था तो गीता प्रेस की शायद मेरी खरीदी हुई सबसे पहली पुस्तक है ये। वो तो नहीं है, मतलब जो मैंने खरीदी थी वो तो पुरानी हो गई, तो वो थोड़ी सी खंडित हो गई थी तो विसर्जित कर दी गई, लेकिन फिर मैंने ये खरीदी है नई। तो यही वो पुस्तक नवदुर्गा जिसे मैंने खरीदा था। इसमें देवी के नौ रूपों के बारे में बताया गया है। देखिए, पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा या अमृत कलश है, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धदात्री। देख रहे हैं, नौ रूप हैं माता के। फिर कुछ इंग्लिश ट्रेडिशंस भी हैं मेरे पास, तो ये मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि सुंदर चित्र हैं इसमें और इंग्लिश में पढ़ने का मन करता है तो इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। तो ये इनको आप फ्रेम भी करवा के मंदिर में टांग सकते हैं या जन्माष्टमी के अवसर पे बहुत काम आते हैं चित्र सजावट के लिए। देखिए, ये गोवर्धन लीला है भगवान की। देखिए, पूरा बाढ़ आ गई है और ये भगवान श्री कृष्ण ने उंगली को उठा रखा है, तो इसमें लीलाएँ हैं। इससे भक्ति बढ़ती है, इसीलिए गीता प्रेस सस्ती पुस्तकें छापती है, यहाँ तो मुझे लगता है। देखिए, बहुत सी किताबें मेरे पास, सब दिखाना तो थोड़ा मुश्किल, लेकिन मुख्य मुख्य दिखा देता हूँ। जैसे भोलेनाथ की है हर हर महादेव, इसमें भोलेनाथ की के कहानी है पूरी की पूरी, उनकी कथा है। और ये देखिए, ये वो दृश्य है जिसमें सरस्वती माता ने जब देह त्याग कर दिया था, तो देखिए वीरभद्र ने दक्ष का सर तोड़ दिया, देखिए अलग कर दिया था, और भगवती ने उसे हवन कुंड में होम कर दिया था। तो ये उस समय गतिशोर, देखिए ये यहाँ पे साइड में शिव जी नटराज रूप में भी दिख रहे हैं, क्रोधित हैं। नटराज रूप में मतलब तांडव के रूप में ही क्रोधित दिख रहे हैं। दक्ष का यज्ञ विनाश कर दिया था उन्होंने। और ये देखिए, बहुत सारी चित्र हैं इसमें। और ये देखिए, शिव जी की बारात जा रही है, देखिए तरह तरह के भूत प्रेत हैं, किसी की 5-6 आँखें हैं, ब्लड हो जा रहा है। चलिए एक आँख वाला देखिए, देखिए ये है, ये देखिए ये भृंगी जी हैं, नंदी भृंगी, ये हनुमान जी जैसे लग रहे हैं। इनकी भी कथा है, मैं आपको सुनाऊंगा। और ये देखिए, शिव जी विवाह करने गए हैं, तो जब वहाँ पहुँचे हैं हिमालय राज के यहाँ, तो ये मैना माता आरती उतार रही हैं। और देखिए ये लोग डर के बेहोश हो गए हैं। ये कार्तिकेय जी की, ये गणेश जी का जन्म, ये त्रिपुरासुर का नाश, त्रिपुरों का नाश हो गया। ये वाला स्पेशल देखिए, देखिए इसमें विष्णु जी ने हजार कमल पुष्पों से भगवान शिव की आराधना की है, तो भगवान शिव ने इनकी परीक्षा लेने के लिए एक कमल पुष्प गायब कर दिया था। तो अब वो पूजा से उठ नहीं सकते थे विष्णु जी, तो विष्णु जी ने फिर अपनी, जैसे कि उनको कमल नयन कहा जाता है, मतलब कमल की जैसे आँख वाले, तो उन्होंने, वो इतने बड़े भक्त हैं भगवान भोलेनाथ के, कि उन्होंने अपनी एक आँख चढ़ा दी शिवलिंग पे। देखिए यहाँ पे दिखा भी रहा होगा, दिखाता हूँ जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये आँख है, एक भगवान ने अपनी आँख चढ़ा दी है। और देखिए इसमें एक ही आँख दिख रही है, तो जिससे प्रसन्न हो के भगवान भोलेनाथ ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया। सुदर्शन चक्र की बहुत बड़ी कहानी है कि कैसे वो सूर्य भगवान से शिव जी के पास, फिर शिव जी से विष्णु जी के पास कैसे हुआ, उसकी भी कथा है, वो मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा आगे। ये देखिए, ये मार्कंडेय जी हैं, ये कालों के काल महाकाल हैं,
देखिए मार्कंडी जी की रक्षा कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ यमराज से, वो तो देवादिदेव हैं, असंभव संभव कर देते हैं। तो ये हैं बहुत सी पुस्तकें हैं, ये गौ सेवा है, गौ माता के बारे में कि गौ माता की पूजा, कई लोग गौ की पूजा करते हैं डेली, तो उनके लिए है ये, मतलब इसमें कहानियां हैं, ये भी मैं समय मिलेगा तो आपको अवश्य बताऊंगा इनके बारे में भी। कई पुस्तकें मेरे पास गीता प्रेस से, देखिए ये कुछ लीलाएं भी होती हैं, जैसे बाल चित्र में बुद्ध लीला है, वैसे श्री कृष्ण लीला भी होती है, रामलीला भी होती है, तो एक छोटे से फॉर्म में पूरी स्टोरी दिखाते हैं। देखिए जैसे ये देख रहे हैं, देखिए बुद्ध भगवान की माता को सपना हुआ था, बुद्ध भगवान का प्राकट्य, ऐसे करके बहुत ऐसे करके पूरा, ऐसे रामायण भी आती है। जैसे देखिए अभी मैं बात ही कर रहा था, देखिए रामलला इसमें, देखिए देखिए देख रहे कैसे मनु, और ये मनु जी हैं शत्रुपा जी को भगवान श्री राम जी ने वरदान दिया कि मैं आपके यहाँ जन्मूंगा, यही लोग बाद में दशरथ और कौशल्या हुए। देखिए देख रहे चित्र बहुत सुंदर बनाते हैं ये लोग, मतलब गीता प्रेस के आर्टिस्टों की तो बात ही छोड़ दी है, उनका तो खैर कोई में जो भाव है एक्सप्रेशन से, देखिए वो शायद ही कहीं और मिल सकते होंगे। देखिए उनकी कथा है। अब मैं आपको विशेषता कभी अब मैं अगली वीडियो में ही आपको बताऊंगा इस सेक्शन के बारे में, कौन कौन सी खास पुस्तकें हैं, और फिर बताऊंगा आपको अगर किसी भी पुराण या किसी पुस्तक धार्मिक पुस्तक से संबंधित कोई नॉलेज चाहिए होगी, तो मुझे कोई प्रश्न होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा, क्योंकि नया चैनल है तो अभी इतने लोग कमेंट नहीं करेंगे, तो आपकी समस्या तुरंत समाधान हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम विराम लेते हैं, अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय श्री गणेश, आप सभी प्रसन्न रहें। जय श्री गणेश।